गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और फिर से एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने कल देखा ही होगा वीडियो में, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए बता देती हूँ कि कल के वीडियो में मैंने जूसर मिक्सर की अनबॉक्सिंग दिखाई थी। तो अभी आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें कई प्रकार के आपको उस जूसर मिक्सर में जूस निकाल कर हम आपको दिखाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरी देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और इससे जो बुरादा बचता है जो भी रहता है उससे क्या हम बना सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम मौसम्बी का जूस निकाल रहे हैं और मौसम्बी का जूस निकालते वक्त उसमें जो बीज रहती है वो इसमें इस मशीन की ये खासियत है कि ये जूसर खुद बीज निकाल लेता है, हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर गलती से इसमें कोई बीज चली जाए जूस में तो वो जूस कड़वा हो सकता है, इसलिए हम आपको अभी पर दिखाएंगे कि इसकी बीज कैसे निकालते हैं और इसकी पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे जूस निकालते हैं और कौन से प्रकार के हम यहाँ पर जूस निकालते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलो जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने सबसे पहले इसके छिलके हाथों से निकाल लिए, ऊपर से पहले कट कर दिया था और उसके बाद हाथों से छिलके निकाल रहे हैं और उसके बाद इसमें जो अंदर बीज रहते हैं वो आप इसे ईजिली निकाल सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मशीन जूसर खुद निकालता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि गलती से एक भी बीज चली गई तो फिर आप जो जूस निकालोगे वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो हम इस तरीके से इसके बीज निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसे छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया है, अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे और चलो देखते हैं कि इसका जूस कैसे निकलता है। तो एक्चुअली गाइस क्या हुआ ना कि हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम जूस निकाल रहे थे, हमने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो क्या हुआ कि फ़र्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो इसके ऊपर जहाँ से जूस ग्लास में गिरता है तो उसके ऊपर एक कैप रहती है कि जिससे क्या हो कि जूस सीधे ग्लास में जाकर गिरे, साइड में नहीं गिरे। तो वो कैप जो है वो हम लगाना भूल गए थे, हमें पता नहीं था कि वो कैप भी उसमें मिली है और वो लगानी पड़ती है, इसलिए जूस निकालते समय जूस थोड़ा ग्लास के साइड में इधर उधर गिर गया था। फिर उसके बाद 3-4 फ्रूट्स का हमने जूस निकाला, उसके बाद हमें पता चला कि हाँ यहाँ पर कैप भी लगानी पड़ती है और मिली है साथ में। तो उसके बाद वो जो कैप लगाकर वीडियो है वो आपको बाद में दिखेगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं था, इसलिए हमने ऐसे ही वीडियो निकाला था। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ही आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने यहाँ पर क्या नहीं लगाया था, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो लास्ट तक गाइज वीडियो देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में भी थोड़ी मेहनत तो लगती है, इसलिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना और पूरी वीडियो देखना और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था कि जूस में हमें जो नहीं चाहिए बीज वगैरह जो भी है वो साइड में ये मशीन फेंक देती है, इसकी ये खासियत है। और एक बात, अगर आपको ये जूस थोड़ा मीठा चाहिए, मीठा पसंद हो या फिर जैसे भी आपको पसंद हो, तो आप इसमें शुगर मिक्स कर सकते हो, ऊपर से काला नमक डाल सकते हो, जैसे आपको पसंद है आप इसे जूस बनने के बाद उसमें ऐड कर सकते हो जो चाहिए वो। और अभी हमने मौसम्बी का तो जूस निकाल लिया है, अभी हम पाइनएप्पल का जूस निकालेंगे। तो चलो देखते हैं इसका जूस कैसे बनता है। पर पाइनएप्पल का जूस भी रेडी हो गया है, ऊपर से काला नमक इस पर छिड़का है जिससे ना अलग ही टेस्ट आता है, इसका स्वाद आता है।
तो यहाँ पर मौसम्बी का और पाइनएप्पल का जूस तो हो गया है, अभी हम निकालेंगे टोमेटो का जूस। तो चलो देखते हैं इसका जूस कैसे बनता है। टोमेटो को भी हमने दो पीसेस में कट कर लिया है, अब इसे भी ऊपर से डालेंगे और देखते हैं कि इसका जूस कैसे निकलता है, कितना गाढ़ा रहता है, इसका कलर कितना डार्क आता है। तो चलो देखते हैं अभी। और ये जो जूस भी बनता है ना, इसका टेस्ट ही अलग रहता है, मतलब हम बाहर पीते हैं तो अलग टेस्ट आता है, और जब ये इस जूसर में जब आप जूस पीते हो इसमें बना कर, तो इसकी टेस्ट ही अलग आती है, बहुत गाढ़ा रहता है ये और ओरिजिनल टेस्ट आता है यार, इसका अलग ही स्वाद होता है, आप ट्राई करके देखना एक बार। वीडियो में देख लिया होगा इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी हमने आपको, ऊपर आई बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगी इसके अनबॉक्सिंग की लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक दे दूंगी मैं अनबॉक्सिंग की, ये जूसर मिक्सर के। और फिर आज जो हम देखने वाले हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, कई प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस आपको दिखाने तो वाली हूं। इसके बाद यहां पर हम ककड़ी का जूस निकालेंगे, और आप यहां पर देख सकते हो कि हमने इसको किस तरीके से कट किया है, पहले बीच में से कट किया है और फिर ऊपर से इसको दो स्लाइस में कट किया है, जिससे कि ये इसमें ठीक से बैठ जाएगा और इजीली इसका हम जूस निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि ककड़ी का जूस कैसे निकलता है और इसकी टेस्ट कैसी रहती है। और मैंने एक वीडियो अपलोड की है वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म बेल, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने अगर आपका वाटर टैंक फुल हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसके लिए वो एक बेल मिलती है, उससे वो आप को अलर्ट करेगी कि आपकी टंकी भर गई है, कृपया इसे बंद कीजिए। तो ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है, अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन दिया गया है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर बीट का जूस निकालने वाले हैं, और आपको तो पता है हम बीट का जूस निकालेंगे तो कितना रेड रेड बढ़िया सा इसका कलर आ जाएगा। और पता है बीट तो मुझे किसी को भी खाने को ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होता है, बट इसका जब मैंने जूस पिया ना, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी थी, मतलब क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं गाढ़ा रहता है ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट आ रही थी इसकी और मुझे पसंद आया यार। तो चलो देखते हैं कि इसका जूस कैसे निकलता है। और वैसे भी बच्चे फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं है, उनको बहुत बोलना पड़ता है और विटामिन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो इसकी वजह से बच्चे तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, तो अगर हम इसे उन्हें इसका जूस निकाल कर देना तो इसकी इस जूसर मिक्सर में इसकी टेस्ट सही में बहुत अलग आती है, क्योंकि ये गाढ़ा रहता है और ठीक से इसका जूस निकलता है बाहर जैसे हम पीते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ इस जूसर मिक्सर का जूस सीरियसली बहुत बढ़िया होता है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद आया सारे जूस के जूस मैंने ट्राई करके देखे इसलिए। तो यहाँ पर बीट का जूस बन गया है और कलर बहुत बढ़िया आया है, पूरा रेड रेड जूस, और ये पीने को भी बहुत टेस्टी है ये। और इसके बाद देखते हैं कौन सा जूस बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जूसर मिक्सर को ओपन करके देखा, तो ये जो बीट का रस निकाला हमने, इसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है इस जूस में, वो कैसे इसने साइड में फेंक दिया और इस तरीके से ये अभी दिखता है। और ये जो बीट का बुरादा होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता है, इसमें बीट में फाइबर होता है, तो इसके मम्मी ने पराठे बनाए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका बीट का जो बुरादा निकल गया था, इसके मम्मी ने पराठे बनाए हैं, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। हम हमेशा ग्रीन कलर के, येलो कलर के पराठे खाते हैं, तो यहाँ पर रेड कलर के पराठे भी कभी ट्राई करके देखो, बहुत ही। और ये सिर्फ बीट का नहीं, ये बीट और ककड़ी दोनों का बुरादा मिक्स करके ये पराठे बनाए हैं, आप सोच नहीं सकते, ये बहुत टेस्टी बने हैं और ये वेस्ट नहीं जाता इसमें का कुछ भी, आप इससे पराठे भी बना सकते हो और बच्चों को बहुत पसंद आएगी इस कलर के और ऐसे टेस्टी पराठे।
का जूस बना रहे हैं अभी। और वैसे क्या है कि हम फ्रूट्स तो वैसे भी खा सकते हैं, बट अगर कोई पेशेंट हो तो वो तो ऐसे फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो उनके लिए हम इसका अच्छे से जूस बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से जैसे कि जूस गिर रहा है, तो वहाँ पे ऊपर हमने कैप लगाई है, क्योंकि क्या होता है कि अगर वो कैप नहीं लगाए तो ग्लास में गिरता है जूस और उसके इधर उधर साइड में भी गिर जाता है तो ख़राब होता है, तो इसलिए यहाँ पर कैप मिलती है, वो हमने अभी लगाई है, तो अभी परफेक्टली जूस बन रहा है। अभी हम यहाँ पर एप्पल का जूस निकालेंगे, और एप्पल का जूस निकालते वक्त हमें सिर्फ एप्पल के बीज ही निकालने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बीट और ककड़ी का भी जूस बनाया था, तो इसके जो छिलके रहते हैं वो भी अलग से निकल जाते हैं। और अभी हम इसके बाद यहाँ पर लौकी का जूस निकालेंगे, और ये जो लौकी का जूस है तो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए ये जूस बहुत ही अच्छा रहता है उनके सेहत के लिए। और अगर आप कड़वी लौकी का जूस वगैरह पीते हो तो इससे जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना पी, अगर कड़वी लौकी हो तो आप इसे तुरंत फेंक दें। तो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए ये जूस बहुत ही अच्छा रहता है उनके सेहत के लिए। अगर लौकी कड़वी हो तो आपने उसे तभी फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।